बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। नाज़रीन, सोलर पैनल के हवाले से मेरे बहुत से भाइयों के कमेंट होते हैं कि इमरान भाई सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, सोलर सिस्टम के लिए हमें कौन सा सोलर पैनल चूज करना चाहिए जिसकी एफिशेंसी और लीनियर लाइफ अच्छी हो। आज की इस वीडियो में हम कंपेरिजन करेंगे सुनोवा सोलर पैनल और कनेडियन सोलर पैनल, जो कि कनेडियन सोलर पैनल पाकिस्तान का फेमस ब्रांड है। इसका हम कंपेरिजन करेंगे सुनोवा सोलर पैनल के साथ, जो कि न्यूसन कंपनी का ब्रांड है। सुनोवा सोलर पैनल जो कि हर साल 30 मेगावाट प्लस वाट प्लस सोलर पैनल की इंपोर्ट करते हैं। सुनोवा सोलर पैनल के साथ कंपैरिजन करेंगे कैनेडियन सोलर पैनल का, धूप में लेके चलते हैं। दोनों सोलर पैनल को एक ही एंगल में रखेंगे और ये मल्टीमीटर है जिससे आप किसी भी सोलर पैनल की एक्चुअल पावर को काउंट कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर के जरिए आपको इसकी टेस्टिंग करवाएंगे कि हमारे दोनों सोलर पैनल में फर्क क्या है, कौन सा सोलर पैनल बेस्ट है। तो धूप में लेके चलते हैं, दोनों सोलर पैनल को एक ही एंगल में रखते हैं और इनकी एफिशिएंसी को काउंट करते हैं। तो नाजरीन, ये है हमारा कैनेडियन का सोलर पैनल है, इसे हम धूप में लेके आ रहे हैं, एक ही एंगल में हम सेट करेंगे और इन दोनों सोलर पैनल की आपको एफिशिएंसी टेस्ट करवाएंगे कि कौन सा सोलर पैनल एक्चुअल में कितनी पावर देता है। ये हमने इसके सोलर पैनल के साथ हमने सपोर्ट लगा ली है, ठीक है। एक साइड पे हमने ये कैनेडियन का सोलर पैनल आप चेक कर सकते हैं, ये है कैनेडियन का हमारा सोलर पैनल, इसको हमने धूप में एक ही एंगल पे सेट कर लिया है। और दूसरी साइड पे हमारा सुनोवा का सोलर पैनल, वो हम लेके आएंगे और धूप में एक ही एंगल में रख के आपको इनकी टेस्टिंग करवाएंगे। एक साइड पे हमारा कैनेडियन का सोलर पैनल है 580 वाट और दूसरी साइड पे हमारा सुनोवा का सोलर पैनल 575 वाट एंड टाइप टॉपकॉन बायफिशियल सोलर पैनल है। इन दोनों की आपको लाइव टेस्टिंग करवा के दिखाते हैं कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि एक साइड पे एक ही वक्त में हमने एक साइड पे हमने रख लिया है कैनेडियन का सोलर पैनल और एक साइड पे हमारा सुनोवा का सोलर पैनल है। और इन दोनों की आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे मल्टीमीटर के जरिए। मल्टीमीटर पकड़ते हैं और दोनों की आपको टेस्टिंग करवाते हैं कि हमारे पैनल में जो सुनोवा का सोलर पैनल है और कैनेडियन का सोलर पैनल, इनकी एफिशिएंसी एक्चुअल में कितनी है। तो नाजरीन, ये है हमारा सुनोवा का सोलर पैनल है, मल्टीमीटर इसके साथ लगाते हैं और आपको इन दोनों की लाइव टेस्टिंग करके दिखाते हैं। ये मैंने ऑटो पे इसको कर लिया सेट, ये थोड़ा टाइम लेगा 15 से 20 सेकंड, उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको पता चल सकती है कि आपका सोलर पैनल आपको एक्चुअल में कितने वाट की जनरेशन देता है। ये 575 वाट का सोलर पैनल है नाजरीन, आप देख सकते हैं 533.3 वाट की ये आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे सेकंड चल रहे हैं, ये सेकंड के बाद ये एक्चुअल वाट हमें बता देगा कि इतनी ये सोलर पैनल की जनरेशन मिल रही है। तो 521-530 के करीब ये बार बार यहाँ पे ये सेकंड चलते हैं तो पता चल जाता है कि हमारे जो सोलर पैनल की एक्चुअल पावर है वो इतनी आ रही है। यहाँ पे 521.9 वाट और 40.40 वोल्ट है और 12.92 एम्पेयर है, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज के हवाले से बात करें तो 47.41 वोल्ट है हमारे ओपन सर्किट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 529 वाट है कि ये हमारा सोलर पैनल हमें जनरेशन दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम वो सोलर पैनल है जो हमारा कैनेडियन का पड़ा हुआ है 580 वाट का, उसकी भी आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि हमारा कैनेडियन का सोलर पैनल 580 वाट का हमें एक्चुअल कितनी पावर देता है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अभी इसने ये पावर शो कर दी है 542 वाट पे, ये हमारा सोलर पैनल चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सुनोवा का 575 वाट का सोलर पैनल है, 542 वाट की ये हमें आउटपुट दे रहा है। और यहाँ पे जो एम्पेयर है हमारे, ये 13.31 एम्पेयर ये दे रहा है और 540 वाट और 13.34
34 एम्पेयर 40 वोल्ट ओपन सर्किट वोल्ट 47 आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे पैनल की कैनेडियन की टेस्टिंग करते हैं और कैनेडियन की टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन, सिलोवा सोलर पैनल की हमने टेस्टिंग करके आपको दिखा दी 540 वाट और इसके 13 एम्पेयर ये सोलर पैनल हमें दे रहा था। एक ही टाइम में, एक ही वक्त में, एक ही एंगल पे हमने ये पैनल की टेस्टिंग की है। अभी हम कैनेडियन के सोलर पैनल की टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे लाइव कि कैनेडियन का सोलर पैनल हमें एक्चुअल में कितने वाट की आउटपुट देता है। तो यहाँ पे कुछ सेकंड का टाइम लगता है जिससे आपके सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो आपको मिलती है। तो नाजरीन, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 482 वाट और 42.94 वोल्ट 11.23 एम्पेयर और ओपन सर्किट वोल्टेज इसके 48 है। ठीक है, सेकंड ये हर 10 सेकंड के बाद अपडेट होता है। ठीक है, और आपको दिखाता है कि आपका पैनल कितनी एक्चुअल में पावर दे रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सिलोवा का 575 वाट का सोलर पैनल 50 वाट तक हो गया है, उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी वहां तक गई है और इसकी 480 से 538 तक फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी एफिशिएंसी। तो इस तरह से ये सोलर पैनल की एफिशिएंसी यहाँ पे अपडेट हो रही है। ठीक है, तो नाजरीन, एक साइड पे हमारा कैनेडियन 580 वाट का सोलर पैनल था, दूसरी साइड पे हमारा सिनोवा का 575 वाट का एन टाइप टॉप ऑन सीरीज का सोलर पैनल था। तो इन दोनों की मैंने आपको एफिशिएंसी की टेस्टिंग करवाई कि ये दोनों एक्चुअल में कितने वाट दे रहे हैं। एक ही टाइम में, एक ही एंगल पे मैंने दोनों पैनल को सेट किया और इसके आपको मल्टीमीटर के जरिए आपको लाइव टेस्टिंग करवाई है कि दोनों पैनल एक्चुअल में कितने वाट देते हैं। अब बात कर लेते हैं सोलर पैनल की परचेजिंग करने के हवाले से कि ये सोलर पैनल आपको मिलेंगे कहाँ से। ये न्यूसन कंपनी जो कि पाकिस्तान की एक नंबर वन कंपनी है जो कि सिनोवा सोलर पैनल इंपोर्ट करती है। तो कोई भी मेरा व्यूअर परचेज करना चाहता है तो ये सोलर पैनल आपको लूज में नहीं मिलेगा। आप एक पैनल या दो पैनल परचेज करना चाहते हैं तो इस तरह से नहीं होगा, आप पायलट परचेज कर सकते हैं। पायलट में 35 से 36 पीस होते हैं, आप एक पैलेट, दो पैलेट या 5-10 पैलेट के हिसाब से ये सोलर पैनल आप परचेज कर सकते हैं। तो नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, कोई भी मेरा व्यूअर परचेजिंग करना चाहता है तो इनसे रब्ता करके सोलर पैनल की परचेजिंग कर सकता है। तो आज के लिए इतने व्यूअर, आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।